के पटना शहर में आज के समय में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां थी वो बंद कर दी गई हैं और लगभग जितने भी ऑटो हैं वो सीएनजी चालित है। तो सीएनजी से पोल्यूशन की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। जो हमारा मार्केट बाजार आधारित किराया है कुछ लोग उस पर भी वो देना नहीं चाहते और हम मजबूर हो जाते हैं कि हमको छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं होता। बाजार आधारित किराया यूनानो की तरफ से कई बार तय की गई और वही सर्कुलेशन में चलता रहता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि किराए का निर्धारण होना चाहिए, वो जरूरी है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी किस तरह का ट्रैफिक नियम मतलब चल रहा है, कैमरे से नज़र रखी जाती है यातायात को सुधारने के लिए और कहीं ना कहीं सभी कारणों के पीछे अगर देखी जाए तो जाम हो या फिर प्रदूषण हो तो लगातार ऑटो वाले ही मतलब इसके पीछे नज़र आते हैं। जैसा कि लोगों का कहना है, अगर जाम बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि ऑटो वाले जहां मन वहां पे उतार लगाकर पैसेंजर उतारते हैं। और तो और दूसरी तरफ ऐसा भी खबर आता है कि ऑटो वाले मतलब मनमानी किराया वसूलते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आता है कि प्रीपेड ऑटो वाले भी मतलब नॉर्मल किराया उठाया करते हैं। तो चलिए, इन सब बात में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं राकेश जी। पहले तो आपका स्वागत है। आप जी, मैं राजेश चौधरी, महानगर ऑटो चालक संघ बिहार पटना महासचिव हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए बिहार की या फिर कहीं की भी, तो प्रदूषण से रिलेटेड अगर बातें होती हैं तो सबसे पहला नाम आता है ऑटो वाले का, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस विषय पर हम आपको कहना चाहेंगे कि पॉल्यूशन के विषय पर अगर आप आते हैं और हमारी बात और हमारे ऑटो चालक भाइयों की बात अगर आप करते हैं तो मैं आपको आज यह बात जानकारी दे दूंगा और आप देख भी सकते हैं और आम लोगों को भी इस बात की जानकारी हो चुकी है कि पॉल्यूशन को लेकर के सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है और पूरे बिहार में सीएनजी की व्यवस्था की जा रही है, जो बड़ी खुशी की बात है। खास करके पटना शहर में आज के समय में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां थी वो बंद कर दी गई हैं और लगभग जितने भी ऑटो हैं वो सीएनजी चालित है। तो सीएनजी से पॉल्यूशन की तो कहीं कोई बात ही नहीं है और सीएनजी से पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना खत्म होती है। इससे ऑटो चालक पर ये लोगों के तरफ से या कहीं से भी अगर ये आरोप आज लगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीएनजी ऑटो से पॉल्यूशन नहीं होता। और चलिए, ये तो बात हो गई कि मतलब सरकार की तरफ से मतलब सीएनजी की जो ऑप्शन दी गई है, प्रदूषण तो होती है लेकिन पहले इसके मात्रे में अगर देखा जाए तो कम हो चुकी है। और चलिए, दूसरी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आता है कि ऑटो वाले जो हैं मनमाना मतलब किराया वसूलते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस विषय पर मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी एसोसिएशन के लोग हैं और चूंकि पटना एक सीमित जगह नहीं रहा, पटना काफ़ी विकसित हो चुका है और बड़ा शहर बन चुका है, तो इस परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि इसके लिए सरकार को या विभाग को चाहिए कि इसकी जो किराए की जो सूची होती है, आप दूसरे प्रदेशों में भी देखते होंगे कि किराए की सूची होती है उसका समय समय पर जो है कि एक निर्धारण होना तय होता है कि चलो भाई, महंगाई बढ़ती है तो किराए बढ़े और महंगाई घटती है तो किराया घटे। अब मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2013 में और वर्ष 2021 में जो है किराए का निर्धारण पटना में आरटीए ऑफिस के तरह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना के द्वारा किया गया था, लेकिन 2021 वाले में अधिसूचना तो निकाली गई थी लेकिन प्रत्येक रूट वाइज रूट जो खुदरा किराए का निर्धारण होना था वो नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने कहा भी कि इसको किया जाए लेकिन अब किस कारणवश नहीं हुआ है इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। लेकिन किराए की जहाँ तक बात है कि देखिए, किसी भी आरोप और प्रत्यारोप से बचने के लिए हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट होने जरूरी होते हैं और ये लीगल डॉक्यूमेंट जारी करेंगे विभाग और जारी करेगी सरकार। और सरकार को चाहिए कि एसोसिएशनों के साथ बैठ करके बात करे, पब्लिक की भी बातों को सुने, हमारे भी बातों को सुने, महंगाई को भी देखे और हमारे जो स्थितियां हैं उसको देखे और हर परिस्थिति को देख करके किराए पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और एक किराए का लिस्ट जारी हो, ताकि अगर ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के पास किराए का लिस्ट है और उसको यह पता है कि किराए का लिस्ट हमारे पास सरकार के द्वारा मिला है तो वो फिर उसके दुरुपयोग से बचेगा और वो गलत किराया नहीं लेने का प्रयास करेगा। दूसरी बात कि यात्री को भी जब किराए की सूची हमारे पास होगी और उसके अंतर्गत हम पैसा मांगेंगे तो वो उनको भी देना ही होगा, क्योंकि वो भी इस बात से बच के नहीं जा सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है, चूँकि देखिए, हम लोग सड़क पे ऑटो चलाते हैं, हमारे सामने हर तरीके की समस्याएं आती रहती है। कभी कभी कुछ जो हमारा मार्केट बाजार आधारित किराया है कुछ लोग उस पर भी वो देना नहीं चाहते और हम मजबूर हो जाते हैं कि हमको छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं होता। बाजार आधारित किराया यूनानो की तरफ से कई बार तय की गई और वही सर्कुलेशन में चलता रहता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि किराए का निर्धारण होना चाहिए, वो जरूरी है।
चलिए, ये तो हो गई किराए से रिलेटेड बातें कि मतलब एक सरकार की तरफ से एक निर्धारित एक किराया होना चाहिए। और दूसरी एक बात है कि जैसे कि ऐसा भी खबर आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि अगर प्रीपेड ऑटो वाले जो हैं वो नॉर्मल किराया मतलब नॉर्मल भाड़ा भी उठाया करते हैं, और मतलब इस तरह का इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस विषय पर मैं कहूँगा कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये जो ऑटो है ये भी प्रीपेड ऑटो है, और आप देख सकते हैं कितने देर से आप खड़े हैं। हम लोग इंतजार में हैं कि हमारे पास रिजर्व सवारियाँ आए और हम उनको जो है कि अपने प्रीपेड से सुविधा दे सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही है। सरकार को हम लोगों ने भी कहा है कि देखिए, प्रीपेड ऑटो आप जो परिचालन की जो स्थितियाँ बनती जा रही है आप प्रीपेड ऑटो के लिए व्यवस्था करिए, प्रीपेड ऑटो स्टैंड के लिए व्यवस्था करिए मुख्य मुख्य चौराहों पे, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट्स हैं, और जो पटना के तमाम जो ऐसे पब्लिक पैलेस हैं वहाँ पे आप प्रीपेड ऑटो के लिए एक व्यवस्था करिए। और जो जिन जिन संगठनों के तरफ से इसका परिचालन या संचालन कराया जा रहा है उन संगठनों के साथ आप बैठक करके लोगों को जगह जगह इसके लिए थोड़ा जगह ये कराएं, और ताकि हम लोग जो है यूनियन के माध्यम से अपने चालकों के माध्यम से लोगों को इससे एक सुरक्षित जो यात्रा का जो साधन माना जा रहा है वो हम लोग मुहैया करा सकें। दिक्कत आपने कहा कि खुदरा सवारी की है, तो देखिए खुदरा सवारी चूँकि पटना शहर में पूरे पुराने समय से भी खुदरा ऑटो ही चला है और आज भी चल रहा है, आप कहीं भी देखेंगे कि खुदरा ऑटो चलता है, और उस परिस्थिति में लोगों को भी खुदरा चलने की ही आदत है और ऑटो चालक भी खुदरा में चलाने को मजबूर हो जाते हैं। हम लोगों ने इस पर भी कहा था कि कम से कम नहीं कुछ हो तो प्रीपेड ऑटो में चलने वाले लोगों के लिए आप मीटर प्रोवाइड कर दीजिए, मीटर लगा दीजिए, उससे यात्री को भी सुविधा हो जाएगा और हम लोगों को भी सुविधा हो जाएगा। मान लिया जाए कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको वहाँ से खाली आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, उस परिस्थिति में हम क्या करें? तो अगर हमको नहीं रिजर्व मिलता है, अब मैं पटना जंक्शन से मान लिया जाए सुगना मोड़ जाता हूँ और सुगना मोड़ पर सवारी को मैं ड्रॉप करके वापस आता हूँ, तो वहाँ से हमको फिर रिजर्व मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ से खुदरा ऑटो चल रहा होता है, तो वो हमको मेरे पर नहीं बैठ के खुदरा वाले ऑटो पर बैठ जाते हैं तो उनको किराया कम लगता है, और चूंकि हम रिजर्व में उनसे ज़्यादा पैसा की मांग करेंगे ही तो वो हम पे आना पसंद नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो हम भी अपना खुदरा सवारी उठाते हैं क्योंकि कम से कम हमारे जो रिटर्निंग में जो मेरे गैस जलते हैं, जो मेरा जो खर्चा है वो तो हमको मिल जाए। तो देखिए ये कहीं से गलत नहीं है क्योंकि अगर खुदरा वाला जो स्टैंड है वहाँ भी अगर आप रिजर्व के लिए जाएंगे तो आपको ऑटो मिल जाएगा, वो भी खुदरा चलने वाला भी ऑटो चालक आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको रिजर्व में नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपको छोड़ देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर के हमारे तरफ से और हमारे संघ की तरफ से कहेंगे कि कम से कम हम लोग को एक मीटर की सुविधा मिले। तो चलिए ये तो हो गई मतलब प्रीपेड और जो आम मतलब ऑटो है जो मतलब रिजर्व भी उठाया करती हैं इसके बारे में बातें। तो अगर मैं आपसे ज़्यादा लंबा नहीं बातें करूँगा, मैं बस आपसे लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि आप चाहते क्या हैं कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में मतलब सरकार कुछ किराया निर्धारित कर दे या फिर एक सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं? देखिए सर, जैसा आपने जो आपने अपनी बात को शुरुआत में कहा कि जाम की समस्या को, तो देखिए जाम की समस्या ये तो वाकई सही बात है कि पटना शहर में जाम की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, उसके कई कारण भी हैं, जो काम भी चल रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि एक विधिवत व्यवस्था करे, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑटो स्टैंड में समुचित पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उससे ऑटो चालक को भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए आप पटना जंक्शन पर भी देखेंगे, और ये विषय जो है उस पर मैं यही कहूँगा कि लाखों लोगों का आवागमन है पटना जंक्शन पे, अगर मान लिया जाए कि इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो आम खास करके महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो स्टेशन से उतर के बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का शौचालय की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह का जो है पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह का ऑटो स्टैंड जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, तो सभी जगह ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान हो और इससे लोगों को निजात मिले और आम लोगों को फ़ायदा हो। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे राकेश जी, तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो अभी मतलब पटना में जो समस्याएं हैं ऑटो को लेके, जैसे कि किराए को लेके जो बातें हो रही थी, तो इनका कहना था कि सरकार की तरफ से एक ऐसा नियम लागू किया जाए कि जिसके तहत मतलब जो किराया जो है वो एक तरह से फिक्स्ड कराया जाए, और कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या, जिसका कारण लोग कहते हैं कि ऑटो की वजह से जाम की समस्या दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वी सिंह सहयोगी पिंटू के साथ पटना।